इंडिया गठबंधन की बैठक 31 अगस्त को होने जा रही है। अटकलें तेज हैं कि इस गठबंधन का हिस्सा अकाली दल और इनेलो भी हो सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनेलो और अकाली दल से लगातार संपर्क में हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला जी इस वक्त मेरे साथ हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक 31 अगस्त को होने जा रही है, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। सर, 31 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, लगातार इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही है कि इनेलो पार्टी भी संपर्क में। कौन संपर्क में? इनेलो भी संपर्क में। देखिए मैडम, ऐसा है कि हर पार्टी को अपना अधिकार है, कुछ भी वो करें, कितना गठबंधन बनाए, पर मेरा अपना ये मानना है कि इंडिया गठबंधन में कोई दम की बात नहीं है। इतनी पार्टी का 40 पार्टियों का जमावड़ा है, इसको कोई मान्यता नहीं मिलती, लोग नहीं मानेंगे। लोग स्टेबिलिटी को वोट देते हैं। लोग जब गठबंधन कभी भी आता है तो देश 10 साल पीछे चला जाता है। तो इनेलो का कोई मेरे ख्याल में औचित्य नहीं है, कोई उसका कोई वजूद नहीं रहा। एक MLA कहीं चर्चा ही नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन ये भी कह रहा है कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती दे सकता है तो गठबंधन दे सकता है, लगता है आप? मैं नहीं मानता। लोगों ने कई बार, इन्होंने 2014 में ट्राई कर दिया, 2019 में कर दिया, अब 2024 में भी कर ले, नहीं मानेंगे। लोग स्टेबिलिटी के वोट देते हैं। फ्रांस, जर्मनी जितने भी कंट्रीज हैं, 30-30 साल के बाद 2-पार्टी सिस्टम आया, हमारे भी 2-पार्टी सिस्टम आ गया, कांग्रेस और BJP दो। आप ही के सामने हुड्डा साहब कहकर गए हैं कि 2024 में BJP जा रही है, इंडिया आ रही है। देखिए, हुड्डा साहब का अपना व्यू है, वो कुछ भी कहें, हुड्डा साहब नहीं, बहुत लोग ये बात कहते हैं, पर आम जनता क्या कहेगी वो जनता ने फैसला करना है। मैं मानती हूँ कि जनता जो है वो दोबारा तीसरी बार फिर मोदी जी को लेके आए। आखिरी सवाल है सर, कांग्रेस कहीं ना कहीं PM पद के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है राहुल गांधी को, क्या लगता है टक्कर दे पाएगी? ये सवाल पूछिए ममता बनर्जी से, केजरीवाल से, नीतीश कुमार से, वो दावेदार हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो एक दावेदार है, मोदी जी। धन्यवाद सर। रणजीत चौटाला जी, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, जिनकी तरफ से इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा गया है। साफ तौर से कहना है कि इंडिया गठबंधन का अगर बात करें, उनकी तरफ से कोई चुनौती BJP को नहीं मिलने वाली है और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।